जॉन सीना को गाइस एक बड़ा मैच मिल चुका है समर स्लैम के लिए। तो कौन सा ये मैच है? कर्ट एंगल ने भी एक WWE सुपरस्टार को कहा है कि वो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ना वो रोमन रेंस है, ना वो ब्रॉक लेसनर है। एंड गाइस और भी वीडियो के अंदर बड़ी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड रियली सॉरी, आज बहुत हिट वीडियो आ रही है, लेकिन गाइस हम लोग ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते एंड बढ़ते हैं पहली अपडेट की ओर। एंड बात करते हैं ओमोस के रियल प्लान्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर से ओरिजिनली ओमोस के ये प्लान्स थे कि मैलकॉन एविल, जो कि गाइस यहाँ पर से अपने NXT के अंदर थे, जिनको रिसेंट में WWE ने रिलीज कर दिया, एंड वो बनने वाले थे गाइस अपने ओमोस के मैनेजर MVP की जगह। लेकिन गाइस उन्होंने जो है रिजाइन करने से मना किया, इसी के चलते उनको रिलीज भी WWE ने कर दिया एंड MVP को मैनेजर बना दिया बॉबी लैशली का। तो गाइस ये फिलहाल अब जाके अपडेट सामने आई है। तो वेल इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन, वैसे कौन से मैनेजर आपको पसंद है ओमोस के, कमेंट करके बताना ज़रूर। ये अपडेट की तरफ एंड रिया रिपली गाइस रिलेशनशिप के अंदर है बड़ी मर्फी के साथ। एंड यहाँ पर से गाइस जो है एक बंदा ट्विटर पर पूछता है कि जो है ऐसी क्या चीज़ें जो मुझ में नहीं है, एंड इसके ऊपर रिया रिपली जो है कहती है मतलब बड़ी मर्फी के बारे में, एंड वो चीज़ें कहती है मैंने कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी। लेकिन यहाँ पर से ये दोनों रिलेशनशिप के अंदर एक छोटी सी अपडेट थी। एंड बात करते हैं हम लोग शार्लेट फ्लेयर एंड एक्स पाक के बारे में। तो देखो यहाँ पर से एक्स पाक ने रिसेंट के अंदर एक बड़ी ही अलग सी स्टेटमेंट दी है। एंड यहाँ पर से गाइस इससे पहले जो है एक्स पाक हमें ये चीज़ कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो है शार्लेट फ्लेयर मुझे एक मैच के अंदर फेस करती तो वो मुझे किल कर सकती है, वो मुझे मार सकती है। तो क्या आपके हिसाब से ऐसी चीज़ हो सकती है, कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड हम लोग बात करते हैं बैकी लिंच एंड रोंडा राउजी के बारे में। तो देखो बैकी लिंच रिसेंट के अंदर इंटरव्यू में इस बात को कहती है कि रोंडा राउजी को अगर मेरे साथ मैच अभी रेसल करना है तो उसको और लेवल पे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी उससे ऊपर हूँ। एंड उसको अगर मैच चाहिए तो वो मेरे से जो है आगे जानी चाहिए, मेरे से थोड़ी लेवल आगे होनी चाहिए, वो अपने आप की लेवल बढ़ानी चाहिए, तब जाके वो मेरी लेवल को मैच करके मुझे फेस कर सकती। तो कुछ बैकलेंज का रिसेंट के अंदर कहना था। एंड हम लोग बढ़ते अगली अपडेट की ओर एंड बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो देखो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स कहते हैं उनका सपना है कि वो जीते वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड उसके बाद वो ईगल वाली चैम्पियनशिप लाए WWE में वापस, जो कि एक ईगल चैम्पियनशिप थी। और क्या आप ये चैम्पियनशिप देखना चाहते हो WWE के अंदर, कमेंट में आप लोग मुझे आपके थॉट्स बता सकते। लेकिन कुछ बात है जो कि रिसेंट में अपने अमेरिकन नाइट में रिवील करते बताए बताते हैं। एंड बात करते हैं गंथर के बारे में। गंथर ने अपना एक ड्रीम मैच टीज किया है अगेंस्ट टाइसन फ्यूरी, एंड वो कहते हैं टाइसन फ्यूरी काफ़ी कमाल का बंदा है, वो काफ़ी अच्छा एथलीट है, एंड क्यों ना मैं इसे एक मैच के अंदर फेस करूं, एंड मैं उसको एक टाइम फेस करना चाहता हूं। तो क्या आप देखना चाहोगे टाइसन फ्यूरी वर्सेस अपने गंथर वॉल्टर, कमेंट में ज़रूर आप लोग मुझे बता सकते हो आपकी ओपिनियंस। एंड बात करते हैं अब हम लोग कर्ट एंगल के बारे में। तो कर्ट एंगल ने क्या कहा कि कौन है WWE के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? ना ये रोमन रेंस है, ना ब्रॉक लेसनर, ना जॉन सीना, बल्कि ये है WWE हॉल ऑफ फेमर HBK शॉन माइकल्स। एंड मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को डिसएग्री नहीं करेगा कि शॉन माइकल काफ़ी कमाल के बंदे हैं। क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि शॉन माइकल है WWE के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? इसके ऊपर कमेंट में आपके जवाब मुझे बताना। एंड हम लोग बात करते हैं हम लोग रेसलमेनिया बैकलैश के बेटिंग ऑड्स के बारे में। तो देखो इसके अपडेटेड ऑड्स हैं एंड एज एंड एज स्टैट्स के अंदर फिलहाल अपने एज फेवरेट है, बॉबी लैशली एंड ओमास के मैच के अंदर ओमास फेवरेट है, एंड सेथ रॉन्स एंड कोडी रोड्स के मैच के अंदर ऑड्स फेवरेट है अपने कोडी रोड्स के लिए, एंड आई क्विट मैच के अंदर वेज रोंडा राउजी के ऑड्स फेवरेट हैं, एंड ब्लड लाइन के मैच के एंड हैप्पी कॉर्बिन के मैच के ऑड्स अभी रिवील नहीं हुए हैं। एंड ये फिलहाल है बैटिंग ऑड्स रेसलमेनिया बैकलैश की। एंड हम लोग बढ़ते गए हम अब
अगली अपडेट की तरफ। एंड गाइज अगली अपडेट है गाइज ड्राफ्ट 2022 के बारे में। एंड गाइज इसकी डेट हो चुकी है मे बी रिवील। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू RSN WWE जो है इस साल अपना ड्राफ्ट करवाएगी एंड वो होगा सितंबर के अंदर, यानी कि सितंबर के अंदर हमें ये दिखाई देने वाला है WWE का ड्राफ्ट। एंड काफ़ी कमाल की चीज़ें होगी एंड देखते इस बार किस ब्रांड को ज़्यादा स्टार पावर मिलती है एंड किस तरीके से कमाल के ड्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। एंड सितंबर के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई देने वाली अकॉर्डिंग टू अपडेट। एंड गाइज अगली रॉ के लिए बड़ी चीज़ कन्फर्म है एंड कल के रॉ के अंदर आएंगे अपने यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस, सॉरी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियन रोमन रेंस एंड उसोस, यानी कि ब्लड लाइन आएगी मंडे नाइट रॉ पर। एंड यहाँ पर से ये चीज़ ऑफिशियल है तो देखते हैं ब्लड लाइन आके क्या कमाल धमाल मचाती है रॉ के ऊपर। एंड ये बड़ी चीज़ है मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियल। एंड गाइज हम लोग बढ़ते अब फाइनल अपडेट की तरफ एंड फाइनल अपडेट जुड़ी हुई गाइज अपने जॉन सीना के बारे में। सीना को मिल चुका है समर स्लैम के लिए चैलेंज अपने गाइज यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन ऑस्टिन थियोरी की ओर से। एंड गाइज एक बंदा ग्राफिक पोस्ट करता है एंड गाइज इसको शेयर करते हैं अपने ऑस्टिन थियोरी अपने इंस्टाग्राम पर एंड वो लिखते हैं वाई नॉट। एंड यहाँ पर से ये जो फोटो है वो है समर स्लैम के अंदर US चैम्पियनशिप मैच की। तो क्या आप देखना चाहोगे समर स्लैम में जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थियोरी US चैम्पियनशिप से, आप मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर। ऑस्टिन थियोरी तो रेडी है तो क्या जॉन सीना रेडी है ये देखने वाली बात है ना। वीडियो पसंद इसकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंटरेस्टिंग वीडियो की